हमारी वाइफ आगे बैठ गई, साथ में खाना खा रहे, तो पहले मेरे मुंह से निकला भी दाल में बड़ा ज्यादा पानी है, तो वो भी कहां आर्म मारने वाली थी, उन्हें अभी ताजी ताजी बनी ना, थोड़ी देर रहेगी तो ठीक हो जाए, बस उसमें भी मेरी गलती है कि मैं तुरंत ही बैठ गया खाना खाना। फिर एकदम से मेरे को बात समझ में आ गई, मैंने कहा भाई वो अब मामला पढ़ लू मुझे ठीक है, पर मैंने कहा भाई पतली दाल इतनी अच्छी लगती है ये मुझे यार पहली बार पता चला, आगे से मुझे ऐसे बनाए भाई, इसके अंदर मजा आ रहा है, इसके अंदर दाल का भी मजा आ रहा है, सूप का भी मजा आ रहा है, सूप अलग भी हो दाल अलग खाओ सारे दाल पियो पीओ की तरह। वो खुश हो गई, पर थोड़ी देर बाद उसे बोले है कि तुम सच कह रहे, एक बात बताओ कि सारी जिंदगी थकाते रहोगे, जो आदमी काम कर रहा है क्यों काम कर रहा है, वो इसकी कसूर इतना ही तो है कि वो नेतृत्व करना चाहता है, वो एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में जाना जाना चाहता है, वो इसके अंदर ये चाहता है कि मेरे को प्रमुख व्यक्तियों में मेरी गिनती हो, मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरा भी नाम आगे कमे, मेरे खानदान का नाम आगे रहे, यही तो मांग रहा है आपसे, पर हाथ जोड़ के सेवा तो पूरी कर रहा है। आज योगी जी अपने पिताजी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे यूपी सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने सम्मेलन में आए लोगों को सास बहू की कहानी के साथ साथ भगवान की कसम खाकर अपनी ही पत्नी की पतली दाल की कहानी सुना डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने दो बेलों वाली कहानियां भी सुना सुना कर खूब लोगों को हंसाया और उनका मनोरंजन किया, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका यह ड्रामा मीडिया के कैमरे में कैद हो रहा है तो यह कहकर कैमरा बंद करा दिया कि यार इसे बंद करो, आज मैं टेंशन में हूँ। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने मुरादाबाद में कहा कि योगी आदित्यनाथ के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, वह एक के बाद एक आदेश देकर बम फोड़ देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि आज योगी जी अपने पिताजी के संस्कार पर नहीं गए, पता है आपको आतिक अहमद आजम खान जिसने भारत माता को कभी डायन कहा था और कौन कौन महाराती थे, मुख्तार अंसारी साहब, क्या ये सब के सब आज कायदे से लाइन हाजिर नहीं है, लाइन हाजिर है या नहीं है? आज शहर के किसी गुंडे को आप कह सकते हो कि ये मेरे शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, क्या आप समझते हो? क्या ये हिम्मत की बात नहीं है? क्या कभी कल्पना की जा सकती कि शहर के अंदर जिन बड़े बड़े महारथियों की इजाज़त लेनी पड़ती थी, अगर किसी व्यापारी को कोई काम करना होता था, नतीजा क्या था? उत्तर प्रदेश पिछड़ा था। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने बसपा नेता सतीश मिश्रा के ब्राह्मण सम्मेलन पर निशाना साधते हुए कहा कि शंख बजवा दिया, अरे कुछ तो शर्म करो, हमारे यहाँ ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता है, पूजा होती है तो हमारे यहाँ ब्राह्मणों के पैर छुए जाते हैं, और उन्होंने जमीन पर शंख रखकर बजवा दिया। सतीश मिश्रा जी, क्या कभी मायावती जी ने आपको उप मुख्यमंत्री बनवाया जो बोले जा रहे हो? कुछ तो शर्म करो। अतुल गर्ग ने योगी मोदी के नाम पर वोट मांगने का ड्रामेटिकल अंदाज भी करके दिखाया। मंत्री जी, प्रदेश में ब्राह्मणों को रिझाने की एक परंपरा चल रही है, अभी आप पार्टी भी एक सम्मेलन करने जा रहे हो, ये किसने भी किया है, किस तरह देखते हैं सम्मेलन? देखिए मैडम, देखिए बीजेपी कभी इस तरह के काम नहीं करती, जातिवादी सम्मेलन बीजेपी नहीं करती। जिन लोगों के पास अपनी उपलब्धियाँ गिनाने के लिए नहीं है, जिनके पास में अपने किए हुए अपराध, आर्थिक अपराध किए हुए नहीं, छुपाने के लिए कोई नहीं है, तो वो इलेक्शन के अंदर लोगों को भ्रमित करके वोट लेने की ये चाल है, और ये जनता समझ चुकी है, ये 2014 में, 2019 में, 2017 में साबित हो चुका है। एक सवाल और था मेरा, आपने कहा कोई मुसलमान को किसी का नुकसान नहीं है प्रदेश में, पड़ोसी जनपद से संबंध वो हैं डॉक्टर बर्क, वो दो दिन से आ रहे हैं लगातार यहाँ से, वो कह रहे हैं कि मुसलमान बहुत डरावा, बहुत फसाड़ी से बहुत जुल्म हो रहा है सरकार। अच्छा ये बताइए, उन पर तो जब तक जुल्म, वो तो बेचारे जब तक जुल्म करते हैं, अभी तक जो वो कर रहे थे वो एक तरफा था, अगर उनको ये कहा जा रहा है कि कानून के दायरे में रहना है हिंदुस्तान में, तो उनको वो जुल्म नजर आता है, उनकी गलती